इस तरीके से बालों को लंबा और घना करेंगे तो तेजी से बाल और लंबे घने होंगे, साथ ही साथ है बालों का झड़ना भी रुक जाएगा इस तरीके से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रोगानुसार में एक बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ है। दोस्तों, हर कोई अपने बालों को हेल्दी रखना चाहता है, लेकिन आजकल केमिकल युक्त प्रोडक्ट पॉल्यूशन और स्ट्रेस की वजह से बाल काफ़ी डैमेज हो रहे हैं। बालों का टूटना, झड़ना, रूखापन और जल्दी सफ़ेद हो जाना नॉर्मल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, महिला हो या पुरुष, सबके साथ यही समस्या है। हम सभी चाहते हैं खान पान, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, प्रदूषण और गलत हेयर केयर की वजह से कई बार बालों का बढ़ना रुक जाता है। ऐसे में लाइफ स्टाइल में बदलाव लाकर आप बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर बालों की ग्रोथ को बढ़ाना है तो आपको हेयर केयर रूटीन में कुछ नेचुरल चीज़ों को शामिल करना है। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं, लेकिन इसके बारे में कम लोग ही जानते हैं। दोस्तों, इसे जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूट जाए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें, ताकि आपके लंबे बालों का सपना अधूरा ना रहे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर एक, दोस्तों, गुड़हल का फूल बालों को लंबा करने के लिए मददगार होता है। इसका बालों पर इस्तेमाल करने के लिए गुड़हल के फूलों का पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को नारियल के तेल में मिलाकर स्कैल्प पर लगाएं। इस पेस्ट को बालों पर 15 मिनट तक लगा कर रखें। इसके बाद नॉर्मल पानी से बालों को धो लें। नंबर दो, दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि सर्दी के मौसम में सभी के बालों में खुश्की, डैंड्रफ और रूखापन की समस्या बहुत परेशान करती है, लेकिन आप अपने बालों और सिर में नमी बनाए रखने के लिए गुनगुने नारियल के तेल की मसाज कर सकते हैं। इससे आपके बालों में डैंड्रफ तो दूर होगा ही, साथ ही प्राकृतिक रूप से आपके बालों को पोषण मिलेगा। आप अपने बालों को घना और लंबा बनाने के लिए नारियल के तेल के साथ साथ नारियल के दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि नारियल के दूध में प्रोटीन, लौह तत्व और कई अन्य आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जो आपके बालों को लंबा होने और टूटने से बचाते हैं। नारियल के दूध को रात को बालों की जड़ों में लगाकर छोड़ दें और सुबह ठंडे पानी से बालों को धो लें। नंबर तीन, दोस्तों, शिकाकाई का इस्तेमाल बालों पर करने के लिए शिकाकाई को रात भर के लिए लोहे की कढ़ाई में भिगो दें। सुबह उठकर उसे बालों पर लगाएं। आधे से एक घंटे बाद आप बालों को वॉश कर लें। नंबर चार, दोस्तों, जैसे जैसे आप अपने बालों को धोते हैं, वैसे वैसे आपके बालों से प्राकृतिक तेल दूर होता चला जाता है और आपके बालों में खासकर सर्दियों के मौसम में डैंड्रफ और खुश्की हो जाती है। लेकिन आप इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए सेब के सिरके का सहारा ले सकते हैं। यह बालों से गंदगी, धूल और शैम्पू डिटर्जेंट को दूर करता है और बालों के पीएच स्तर को नियंत्रित करता है, साथ ही बालों को झड़ने से भी रोकता है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप बालों को शैम्पू कर लें और फिर सेब के सिरके को पानी में मिलाकर आखिर में इससे अपने बालों को धोएं। नंबर पाँच, जी हाँ दोस्तों, तिल का तेल सेहत के लिए और बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि तिल का तेल इस्तेमाल करने के लिए बालों की जड़ों में इस तेल से मसाज करें। ध्यान दें कि तेल की मसाज बालों पर रात को सोने से पहले करें। यह उपाय हफ्ते में एक बार अवश्य किया जा सकता है। इस उपाय से बाल तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएंगे।